हम जानेंगे आरईसी शेयर को लेकर। इस वक्त हैं वडोदरा से रोहित कुमार पटेल। रोहित जी, स्वागत करते हैं आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास आरईसी के 17 स्टॉक 118 पे लिए हुए हैं, हमको कितने लॉन्ग टर्म में रुक सकता हूँ, मेरे को इस बारे में क्या करना चाहिए? कितने स्टॉक है रोहित जी, एक बार फिर से बताएंगे। आरईसी के 17,000 स्टॉक है, वन अच्छा, सेवन 17,000 ट्रिपल जीरो स्टॉक आपके हैं, 118। मुनाफा भी अच्छा आरईसी पर इन्हें। क्या व्यू है आप बन रहा है आपका संदीप जी, इनके मुनाफे को देखकर क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है आरईसी पर? नहीं, देखिए डिपेंड करता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है अपने। इनफैक्ट जब 17,000 क्वांटिटी ली होगी तो इनको शायद कन्विक्शन भी होगा। अब अगेन देखना कि 17,000 क्वांटिटी जो ये लिए हैं और ये करीब आज अगर 20-1 लाख का माल होता है और इनके पोर्टफोलियो में कितना पोर्शन ये माल है वो सब भी देखना जरूरी है। मैं सिर्फ स्टैंड अलोन बेसिस पे मैं रिप्लाई नहीं देना चाहता, मैं पूरा एक वो देखना चाहता हूँ कि इनका वेटेज कितना स्टॉक के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 स्टॉक लिए हुए हैं और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है तब तो ठीक है। सो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि 4 से 5% की एक पोर्टफोलियो में एक साइज होनी चाहिए एक स्टॉक की, और अगर लिए हैं ये क्वांटिटी तो सर्टेनली रिसर्च किए होंगे। बट ओवरऑल ये स्टॉक अच्छा लगता है मुझे, पावर स्टॉक्स वैसे ही बढ़िया लग रहे हैं, पावर से रिलेटेड और उसमें भी पावर फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है तो बिल्कुल। सरकार भी जिस तरीके से पावर सेक्टर को लेकर मेजर्स ले रही है और या रिन्यूएबल एनर्जी और ये सारे जब आएंगे आई रहे हैं इनफैक्ट, तो काफी मुझे लगता है कि इन कंपनियों में पीएफसीओ या आरईसीओ दोनों में स्कोप है और सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और मेरे हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल भी देखें तो बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है तो कहीं कोई दिक्कत लगती नहीं है। रीजन है कि चलिए इनके डेट्स और ये सब के भी इश्यू रहते हैं, एनपीएस के भी इश्यू रहते हैं, बट ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म किया है इन दिनों में और मेरे हिसाब से होल्ड करके रखना चाहिए इनको। और ऊपर के लेवल्स हो सकता है कि 140-145 के लेवल्स आए तो वहां पे कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें तो ठीक है। ओके, तो आरईसी पर आपके लिए संदीप जी की स्ट्रैटेजी।